देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नोटबंदी पर नोट यात्रा का काउंटडाउन शुरू। जी हां, शुरुआत लखनऊ शहर से। ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री ने मांगे थे 50 दिन, 10 दिन रह गए हैं बाकी। देश की जनता, लखनऊ की जनता क्या सोचती है? लखनऊ से लेकर वाराणसी तक हम पहुंचेंगे, वाराणसी से पटना, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, अलग अलग शहरों में जाएंगे ये जानने के लिए कि आखिर के 10 दिन कैसे बीत रहे हैं देश पर और क्या उम्मीद है उसके बाद परिस्थिति बदल जाएगी। इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले तो लखनऊ की जनता, स्वागत अपना आप कर लीजिए तालियों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ इस स्टेज पर शामिल हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे गर्मजोशी के साथ। शरद त्रिपाठी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। रविदास मेहरोत्रा जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं समाजवादी पार्टी सरकार में इस वक्त। प्रदीप जैन जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर एम एच खान समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले वो सियासी संग्राम जो इस मुद्दे पर देश की जनता के सामने, देश के सियासतदान छेड़ रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश और कानपुर में। आज उन्होंने जमकर घेरा है विपक्ष को। कहते हैं मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार बंदी, ये चाहते हैं संसद बंदी। इसी को आगे ले जाकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से विपक्ष पर हमला बोला। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कमान संभाला और कहा कि आपका पैसा खींचा जा रहा है, कुछ अरबपतियों को, उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है। पहले ये सियासी संग्राम, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद। 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोग जो अपना खून पसीना देते हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट हाउस में। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। मोदी जी, ये आपका सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये आपने हिंदुस्तान के गरीब पर, हिंदुस्तान के किसान पर, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर फायर बॉम्बिंग करी है, फायर बॉम्बिंग। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं। 8 नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी विजय माल्या के मुंह में डाली है। उसका 1200 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के गरीब लोग, 99% लोगों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। अगर वो पैसा बैंक में 6 महीने के लिए रहेगा तभी उस पैसे का प्रयोग कर्जा माफ करने के लिए किया जा सकता है। हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए, लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां। मोदी जी, मजदूर जब काम करता है, जब उसे पैसा मिलता है, उसे पेटीएम के द्वारा पैसा नहीं मिलता है, उसको मोबाइल फोन से पैसा नहीं मिलता है, उसे कैश में पैसा मिलता है, उसको आपने चला दिया। जो सरकार ईमानदारों के लिए हो उस सरकार को कम मता किए फंस गए। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, ये है नोटबंदी। इसी पर सबसे पहले जनता जो लखनऊ की है उसकी राय जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, हाथ उठाइएगा जितने लोग ये मानते हैं। सवाल तो सुन लीजिए साहब। सवाल मेरा ये है कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री का फैसला सही था नोटबंदी का? हाथ उठाइए। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा तबका है जो नहीं मानता है।
कितने लोग मानते हैं कि इंतजाम नाकाफी साबित हुए? हाथ उठाइए। ठीक है, दोनों ही है, तो मिक्स क्राउड है, लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग हिसाब से लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल सवाल दागना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा है और ये जो खबर आ रही है, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ त्रिपाठी जी, कि एक सेकंड, सबसे ज्यादा पैसा अभी 500 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश में डाला जा रहा है, क्या ये पैसा लोगों तक पहुंच रहा है? पूछेंगे सर, आप पूछेंगे, आप हिम्मत मत हारिए, अभी तो एक घंटे का शो करना है आपके साथ, वहां से चिल्लाइए मत, सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है यूपी की जनता को पैसा मिल रहा है? क्योंकि एटीएम बंद है, लोग शहर में घूम रहे हैं एटीएम की लाइन देखने के लिए, कि जहां लाइन दिखती है लोग जाके खड़े हो जाते हैं कि शायद यहां पैसा मिल जाए, ऐसी परिस्थिति क्यों है लखनऊ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के लोगों को बधाई दूंगा कि जो परिस्थिति का निर्माण हुआ, यह शायद आम जनता नहीं जानती थी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, यह मीडिया के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। और विशेष रूप से मैं आज तक को धन्यवाद दूंगा कि इसी प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नोट बदली के आरोप में आरोपित होते हैं, और मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया, भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र भी, और हमने इसको संसद में भी जिक्र किया, 40% लेकर के बसपा सपा कांग्रेस जदयू और एनसीपी के नेता लोग नोट बदली का काम, जब नोट बदली का काम होगा, झूठ बोल रहा है, नोट बदलने के लिए काम कर रहे हैं और आप नोट बदलने के लिए क्या झूठ बोल रहे हो? इस देश प्रदेश के जनता के साथ क्या मजाक हो सकता है? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? और आज भी मैं देहात क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आता हूँ, और 170 जनपद जो पूरे देश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद हैं, मैं संतकबीर नगर के साथ गोरखपुर और अंबेडकर नगर का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अभी मैं गांव होकर के आया हूँ, गांव में किसी भी किसान को, किसी भी नौजवान को पीड़ा नहीं है, केवल कांग्रेस के लोगों को, सबसे अधिक पीड़ा कांग्रेस के लोगों का है। क्यों? क्योंकि उनके युवराज, जो उनके लोकतांत्रिक युवराज राहुल भाई हैं, राहुल भाई का सारे उनके परिवार का पैसा, सारे राहुल भाई के लोगों का पैसा आज जब्त जो हो रहा है, आज जो इसलिए वो छटपटाहट है। और हम, हमारे प्रधानमंत्री जी तो सीधा ठोक के कहते हैं कि आज 2.5 साल में हमारे ऊपर कोई 2.5 रुपए का आरोप लगा दे, और इसके पहले के जो प्रधानमंत्री जी थे, इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा जो बनाए गए थे, और जो मौन प्रधानमंत्री थे, और हमारे वाचाल प्रधानमंत्री ने सबको उत्तर दिया है। आज स्थिति ये हो गई है, आज स्थिति ये हो गई है, राहुल जी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं लखनऊ की जनता है, अभी जो तुमने कहा है शायद वो मिशेल जी की बात करते हैं, उन्होंने मेहरोत्रा साहब, आपने तो प्रधानमंत्री को 50 दिन दे दिए ना, तो इंतजार करेंगे पूरे 10 दिन अभी देखने के लिए? देखिए, पूरे देश में हाँ कोहराम मचा हुआ है, लोगों को उन गरीबों के आंख का आंसू दिखाई नहीं पड़ रहा है, उन लोगों को भूख दिखाई नहीं पड़ रही है, जाकर के देखिए, गरीब बस्तियों में लोग भूखे सो रहे हैं, गरीब बस्ती में खाना नहीं है, मजदूर खाना नहीं खा पा रहा है, रो रहा है, इनको उनकी आंख के आंसू दिखाई दे पड़ रहे हैं, बिना किसी तैयारी के इन्होंने नोटबंदी करने का काम किया है, आज गरीब आदमी की रोटी छीनने का काम किया है, प्रदर्शन बढ़ाने का काम किया है, जो बड़े पूंजीपति हैं उनके पास नोट पहुंचाने का काम किया है, ये खुद मान रहे हैं कि करप्शन पड़ा है, नोट बदलने का काम हो रहा है, नोट कौन बदल रहा है? नोट आप बदल रहे हैं, बीजेपी के लोग बड़े बड़े नेता ढूंढने का काम कर रहे हैं, लाइन में 150 लोग मर गए हैं, कौन जिम्मेदार है उन लोगों का जो लाइन में खड़े खड़े मर गए? अभी आपने देखा, आपने कहा है कि लखीमपुर में एक आदमी की आज मौत हुई है, कौन दोषी है इसका? इसके दोषी नरेंद्र मोदी है, इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी है, आज गरीब आदमी अपना पैसा निकालने गया है और लाइन में उसकी मौत हो गई है, कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है उसका? चलिए प्रदीप जैन, एक एक सवाल कर लेते हैं, फिर आप लोगों के भी सवाल आएंगे, थोड़ा सा धीरज रखिए प्लीज, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। जैन साहब, एक सेकंड सर, सवाल तो सुन लीजिए। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पता है कि स्विस बैंक में किस किस के खाते हैं। साहब, आपको 10 साल में पता चला था या आप फिर मौन रह गए थे पता लगने के बाद? निश्चित रूप पता ही नहीं चल पाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है, आपको ये बात ध्यान होगी, 2014 में उन्होंने कहा था, मित्रों अगर मैं 100 दिन में काला धन नहीं लाया तो मुझे फांसी चढ़ा देना। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? आज स्विस बैंक का पैसा क्यों नहीं ला रहे? आज फिर एक नया जुमला दे रहे, पहले 100 दिन की बात कही थी, अब 50 दिन की बात कर रहे, 40 दिन हो गए,
150 लोग मर गए। आज जो मोदी भक्त हैं वो समझ लें कि जिन गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री लाइन में खड़ा करवा के मरवा रहे वो अच्छा नहीं कर रहे। जुमले से ये देश नहीं चलता। पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम काला धन निकाल लें, अब कहते हैं हम कैशलेस व्यवस्था करेंगे इस देश के अंदर। अंजना जी, आज गांव के अंदर नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता, 15 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, आज 7.5 लाख गांव है, 13 लाख उसके मजरे हैं, और आपके पास जो POS है जिसे स्वाइप करके भिखारी को प्रधानमंत्री जी दिखा रहे थे वो केवल 6,53,000 है, ATM 2,22,000 है। अब कैशलेस व्यवस्था की बात करने लगे, अब जब काला धन स्विस बैंक से नहीं निकाल पाए, अडानी केवल अडानी के ऊपर 78,000 रुपए का कर्जा, 78,000 करोड़ का कर्जा है, और पूरे देश के किसानों पे 65,000 करोड़ का कर्जा है। कर्जा माफ नहीं कर सकते, लेकिन कॉरपोरेट हाउस के 1,12,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं। ये जुमले वाली, ये प्रवचन वाले, ये प्रधानमंत्री इस देश को रसातल में ले जाएंगे। आज उन्होंने निश्चित रूप से इतना गुजरात मॉडल, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात मैं गुजरात, जो गुजरात मॉडल है ना, एक चाय वाले के पास 1900 करोड़ रुपए निकले नहीं निकले, चाय वाले के पास 1900 करोड़ रुपए निकले, एक सहाय के पास 13,500 करोड़ रुपए निकले। गुजरात मॉडल गूगल में सबसे ज्यादा सर्च हुआ कि काला धन कैसे सफेद करें, उस गुजरात मॉडल का आज पूरे देश के लोगों ने हाल भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ। एक सेकंड खान साहब मायावती इस पूरी लड़ाई में कहां खड़ी है, क्योंकि बार बार बीजेपी जब प्रहार कर रही है चुनाव के लिए तो कह रही है कि दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है, दौलत के गिर्द उनको घेरा जा रहा है। एक सेकंड प्लीज यहाँ अलग लड़ाई, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, आप जल्दी से जवाब दे फिर जनता के सवाल। देखिए, जिस दिन से नोटबंदी का ऐलान हुआ है और उसके बाद संसद चली है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने पहले कहा कि मोदी जी आके पार्लियामेंट में बैठे और बात सबकी सुने और किसानों के दर्द को समझे और जवाब दे, नहीं दिया उन्होंने जवाब। आपका अमित शाह जी कहते हैं कि बहन जी का चेहरा उतरा हुआ है, मैं कहता हूँ चेहरा नहीं उतरा हुआ है, बहन जी दुखी हैं, किसान मर रहा है, 150 लोगों की जान गई है। आप सोचिए कितनी बड़ी ये बात है, 150 लोगों की जान गई है, उस पर एक शब्द नहीं आया है मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। आज किसान मजबूर है, आज दिहाड़ी मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, आज जो है गांव में जाइए आप, यहाँ शहरों की बात मत करिए, गांव में आप जाइए, आदमी एक एक रुपये के लिए परेशान है। आप जरा बताइए सवाल पूछना चाहते हैं, हाथ उठाइए। मायावती जी पीछे खड़ी है, मायावती जी पीछे खड़ी भी है, हम लोग के भीड़ के पीछे उधर पीछे खड़ी है मायावती जी है, मायावती जी आप जहाँ बैठे हो ये भी मायावती जी का बनाया हुआ है, ये मूर्ति सबसे पहले सवाल पूछने जाते हैं मानी साहब, ये रोड भी बनाया हुआ है, किसी का सवाल नहीं सुन पाएगा, बनाया हुआ है बहन जी का ही बनाया हुआ है, पूरा देश देख रहा है, लखनऊ को आप यहाँ बैठा लखनऊ का पूरा देश देख रहा है, ये गलत बात है। प्लीज आप सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ी सी मर्यादा रखिए बहस की, पूरा देश आपको देख रहा है। मैडम सबसे पहले मैं माननीय सांसद जी से, भाजपा के सांसद जी से बात करना चाहता हूँ कि गांव में किसानों के पास जाके देखिए, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनकी लड़कियों की शादी कर रहे बेचारे, कुछ उनके पास कुछ भी नहीं रहा, बर्बाद हो गए, इनसे बात कीजिए, जवाब दीजिए इस पर। बद इंतजामी मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा मेरे नौजवान भाई कि मैं खुद एक किसान परिवार का हूँ और मैं अभी गांव से होकर के आया हूँ, और नौजवानों और किसानों के साथ अब तक किसी ने अगर क्रूर मजाक किया है तो देश की कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने जवानों को, किसानों को, महिलाओं को, अगर आज कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे, पैसा नहीं मिला, गांव में पैसा नहीं मिला, उससे दूर रखा है, तो केवल कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के लोगों को तो बोली भटकाने में झूठ बोला गया, ठेका ले रखा है, अगर आप शोर करेंगे तो शो को बीच में रोकना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के सारे वो कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार पे बात करे, वो कांग्रेस नौजवानों किसानों की बात करे, पूरे नौजवानों किसानों की दुर्दशा की बताता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ राजधानी है, जिस तरह यहां PCS अधिकारियों की पिटाई हो रही है, और नोटबंदी भूल गए, ये लोग जो है
पीछे को बदलना चाहते हैं। आज जो है 150 लोगों की मौत हुई है और बताइए प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों की मौत हुई है उस पर किसी पर अनुदान देने का काम मंत्री जी है। मंत्री जी से मैं सवाल करना चाहूंगा, मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहूंगा कि जब डेंगू जब शहर में ये लोग जनता को बनाए जाते हैं, जनता के मुख्य से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, चुनाव भी होने वाले जनता के मुख्य से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। पूछो सवाल जल्दी पूछो। मैं ये पूछना चाहूंगा भाजपा ने आज तक ढाई साल तीन साल राज कर लिया केंद्र में, सीधे लाभ क्या दिया जनता को? हमने 500 रुपए की पेंशन दी समाजवादी सरकार ने 500 रुपए। क्या ये अर्थव्यवस्था का वाकई शुद्धिकरण है जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं? कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। यहाँ पर दो महिला है, आप हटे साइड, आप आगे आइए। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का फैसला सही है और जो मुश्किलें हो रही है उसको झेल पाना आसान है या मुश्किल है? बहुत बिल्कुल प्रधानमंत्री का ये जो फैसला था ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा सवाल है एक त्रिपाठी जी से, आप एक बात बस एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए कि जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं रिजल्ट के लिए क्या वो बैलेंस है? आप गरीबों को रुला के किसानों को मरवा के कौन से अमीर को सजा दे सकते हैं? कौन सा अमीर पकड़ा गया है गरीबों को मरवा के? उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट और उस चुनाव की आहट के बीच नोटबंदी का फैसला, किस पर है ये सर्जिकल स्ट्राइक? काले धन पर या फिर लोगों को हो रही है बहुत ज्यादा परेशानी? लेकिन इसी बीच आइए आपको सुना देते हैं, आज जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, आप लोगों के लिए भी शायद ये खबर होगी, संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपके घर में कितना कैश आप रख सकेंगे इसकी लिमिट तय की जाएगी। तो आइए आपको सुना देते हैं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने क्या कहा है इस बारे में, यानी आप अपने घर में कितने हजार रुपए रख सकेंगे इसकी कैश लिमिट सरकार तय कर सकती है, सुनिए। मेघवाल साहब, एक प्रपोजल वित्त मंत्रालय के पास ऐसी खबर आ रही है कि घर में एक समय सीमा के तहत ही रखा जाएगा, एक सीमा तय की जा रही है कि कितनी नकदी रखी जाए। देखिए, अभी जो ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक समस्या आ रही है उसमें जो 100 रुपए के नोट जो कम प्रचलन में आ रहे हैं वो लोगों के घरों में ज़्यादा जमा हो गए, और 2000 के जो नोट से वो जब लेके बाजार में आ रहे हैं तो उसके लिए छूटा नहीं मिल रहा है। 500 का अब एटीएम में भी आ रहा है और बैंकों में भी जा रहा है। धीरे धीरे भी वो परिस्थितियां ठीक हो जाएगी, 500 जैसे 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 सिस्टम में पंप ज़्यादा होगा तो 2000 का चलन में आ जाएगा। प्रस्ताव ये है कि घरों में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ चुका है। आपके पास जो भी नगद है, पहले एक दिमाग में था नगद होगा तो ही काम होगा नहीं तो नहीं होगा, वो एक इंडिया जो है अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पर पहुँच गया है। अगर किसी के पास नगद घर में नहीं भी होगा तो भी काम होगा, मतलब एक लिमिट भी तय की जा रही है क्या उसकी? ऐसा कुछ नहीं है, तो सोशल मीडिया में भी चल रहा है, ऐसा कोई लिमिट कौन तय कर सकता है जी किसके पास कितना पैसा रखना है? लिमिट का विषय नहीं है, लिमिट हम सरकारी संस्थान में पब्लिक इंटरप्राइजेज में कितना निकालोगे ये तो हो सकता है, लेकिन तो ठीक है। अर्जुन मेघवाल का ये कहना है कि लिमिट कौन तय कर सकता है, इस तरह की बात जो कही जा रही है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो एक बार लखनऊ की जनता, चूंकि लखनऊ में मौजूद है, कैश लिमिट तय हो कैसा कितने लोग चाहेंगे, क्योंकि इसके जरिए काले धन पर अंकुश लग सकेगा, कितने लोग चाहेंगे कैश लिमिट तय हो? मिक्स है, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं कुछ लोग ना कह रहे हैं। एक बार फिर से सवालों से शुरुआत करते हैं, आप सवाल पूछिए, आइए आइए आगे आइए, आप पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये शरद जी से है कि 10 दिन बचे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, सारी देश की जनता 10 दिन में अपना पैसा लेन देन कर पाएगी? विथड्रॉल लिमिट कब खत्म होगा, कब अपना पैसा अपना होगा, कब लोग ये समझ पाए कि जितने नोट छापने थे वो छप जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगा है, मुकुल रोहतगी कोर्ट में कहते हैं कि 70 दिन चाहिए, माजरा क्या है समझाइए। देखिए, जो इस देश की स्थिति है वास्तविकता है कि इस देश में इस समय 1,25,000 करीब बैंक है,
125,000 को बैंक है और उसमें नोटों हमें जो वचन नहीं सुनना शरद जी, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, वही बता रहा हूँ। प्रवचन नहीं सुनना, जो जानना चाहती है प्रवचन नहीं चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है आज आना, जो पेटीएम के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से डिजिटल क्रांति को आज जो निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी लिए हैं, उस निर्णय के माध्यम से आज आपको इस तरह से अपने घर में अब कैश नहीं रखना पड़ेगा और उसी कैश रखने के कारण घरों में डकैती पड़ती थी, चोरी होती थी और आज वह कैश आपका सेफ है, आज आपके बैंक में सेफ है, आप अपने साथ किसी भी प्रकार का कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लेकर चल सकते हैं और उस कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। उसका बड़ा लाभ हुआ, सबसे बड़ा लाभ हुआ। अब दादाजी मैंने आपको सुना हो, मैं आप लोग वरिष्ठ नेता है, मैंने आप लोगों को सुना है, मैंने आप लोगों को सुना, आप भी सुनिए। बैंक की संख्या, बैंक की स्थिति बता रहा हूँ। अभी एक सवाल, कहीं नहीं भूखे सो रहे हैं, केवल केवल बेचैनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आई और बसपा के लोगों किस लिए है कि उनका जो काली कमाई का पैसा था वह सब जब्त हो गया और उसको जब्त करके प्रधानमंत्री कल्याण योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो आज मोदी जी ने लागू किया है उससे बेचैनी आज है। आज अभी अभी यहाँ पर हमारे अभी अभी कांग्रेस के हमारे एक सहयोगी ने आदित्य जैन जी से कहा कि मैं आपके साथ हूँ, उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने भाजपा ने अब तक क्या किया। मेरा सवाल मैं बताना चाहूँगा कि मेरा सवाल अभी मेरे एक नौजवान साथी ने पूछा था। एक सेकंड, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा देखिए देश की देश से आज एक सवाल है, सबसे सवाल है, हम लोग ये बात करते हैं कि लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं, जिसका पैसा है वो बैंक में जमा करा रहा है, फिर वो लाइनों में लग के पैसा निकाल रहा है। मुझे कोई साहब अभी बोल लेते पीछे कि करीब 120 लोग, 150 लोग करीब जो है अभी तक लाइनों में मर चुके हैं। तो मेरा ये सवाल, मेरा ये कहना है कि क्या सरकार को ये पता है कि कितने लोग अपने घरों में, जिनका इलाज नहीं हो पाया, उनका डेटा सरकार के पास है कि कितने लोग घरों में मर गए जो इलाज नहीं करा पाए, जो पैसा, जो अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल पाए, सरकारी अस्पताल नहीं पहुंच पाए, क्या वो अस्पताल जा पाए और कितने लोग उसमें मर गए घरों में? क्या करते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल है, हाँ मेरा हॉस्पिटल है, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास जो मरीज आते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते कि वो इलाज करा पाए, तो हम उधारी में करते हैं। सबसे ज्यादा सवाल उनके लिए आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, सवाल है, उन्होंने इतना बड़ा पैसा लिया है। मुझे लगता है उस डॉक्टर का और वो जो महिला वहाँ पर लड़की बच्ची जैसे सवाल किया था, दोनों का आपको जवाब देना चाहिए कि जो रिस्क हमने उठाया, निश्चित नुकसान हुआ, मैं डॉक्टर, क्या वो फायदे के बनिस्पत जब हम तोले तो लगता है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान? निश्चित पहले तो मैं डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहूंगा कि वो डॉक्टर पैसे आते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो कभी कभी मरीज को उनको वेंटिलेटर पर भी ले जाना पड़ता है, यह जानते हुए कि हमें कैसे बचाना है। आज वही स्थिति थी, आज वही स्थिति थी कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से इस देश की जनता वेंटिलेटर पर जाने के लिए तैयार हो गई थी और उसको बचाने के लिए 65% आबादी आज भी गाँव में रहती है, उस 65% आबादी गरीबों को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना कड़ा फैसला लिया और आज कांग्रेस और बसपा सपा के लोगों को वो इसलिए नहीं पच रहा है कि जान रहे हैं कि आने वाले समय में इनको अब किसी सदन में नहीं आने देगी इस देश की जनता और कहीं भी जनता को जो है इस देश की आज भी आक्रामक नहीं हो रही है। हाँ, पार्टी के लोग आक्रामक हो रहे हैं। आज अभी हमारे नौजवान साथी ने कहा कि अभी हमारे नौजवान साथी ने कहा अभी आदित्य जैन जी मैं आपके साथ आया हूँ, मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्या किया। जी आप पहले बात सुनिए हमारी, अभी एक बात ये जी मैं आपको सुनाऊंगा, अभी सवाल इन्होंने हमसे पूछ रही, देखिए अंजना जी ये कह रहे हैं जवाब सुनने नहीं आए, आपका फैसला सही है तो पार्लियामेंट भंग कर दीजिए और चुनाव करा दीजिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, हम लोग यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आए, हमने मोदी जी के प्रवचन सुने, अमित शाह के प्रवचन सुने, जनता जानना चाहती है कि केवल 7 दिन बचे हैं और गाँव के लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा और बैंक एक कैडर था जिसको आज मोदी सरकार ने चोर साबित कर दिया, ये सरकार सिर्फ धोखेबाजी है। खान साहब, बोलिए आप, समझ लीजिए खान साहब,
जी मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में जो जनता परेशान हो रही है उसकी आह, उसकी उसका जो आह निकलेगी मोदी सरकार की पूरी नोटियां दुबा देगी और उसको एक 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 पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि जब 1977 में आपने आपातकाल लगाया था कितने लोग मरे थे? आज नोटबंदी से आप परेशान नहीं है? प्रदीप जैन जी से मेरा सवाल है। निश्चित रूप से आज निश्चित रूप से जो हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है वो एक बहुत साहसिक निर्णय था और इंदिरा जी ने कभी हल्के फुल्के निर्णय नहीं लिए। आपातकाल उन्होंने लगाया था करने के लिए। मैं ये साहसिक निर्णय बता रहे हैं। कभी निर्णय पर ज्यादा धब्बा था उसको आप साहसी निर्णय बता रहे हैं। एक चीज बताइए, आपातकाल के लिए धब्बा था वो लोकतंत्र के लिए धब्बा ने लगाया था और किस परिस्थिति में लगाया था? चलिए बहस भटक जाएगी, बहस भटक जाएगी। मेरा सवाल सुनिए सब प्लीज। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के मंत्री जी से है, मेरोत्रा जी से। मेरोत्रा जी ये बताएं कि अखिलेश जी जिस दिन नोटबंदी हुई उसके दो दिन बाद उन्होंने कहा कि काला धन जरूरी है देश में क्योंकि इससे मंदी में ये काम आता है। तो आप बताइए मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश का मंत्री रहने का अधिकार है? प्रदेश का सिर चकरा गया। सवाल है यार हमसे, देखिए जवाब सुनिए, आप ही के नेता जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए। देखिए देश के अंदर 150 लोगों की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपया मुआवजा दिया है लेकिन केंद्र की सरकार ने किसी को मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जो ब्लैक मनी है वो इस देश में आती वो नहीं आई, करप्शन रुका नहीं, जो देश का व्हाइट मनी था उसके लिए लोग परेशान है। मंत्री जी आपने सवाल सुना नहीं, पास आके पूछूंगी तब सवाल सुनेंगे। एक सेकंड मंत्री जी ने सवाल नहीं सुना, रुके एक सेकंड। मंत्री जी सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ जानकारों ने उन्हें समझाया है कि देश में काला धन जरूरी है। नहीं कभी नहीं कहा ये बात, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि काला धन पर कार्यवाही कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा, झूठ बोल रहे, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। पैरेलल इकोनॉमी चलती है, नहीं बोला उन्होंने, का काम कर रहे हैं। ब्लैक मनी क्या है? उन्होंने कहा मनी ब्लैक नहीं होती है, अगर उस पर टैक्स दी जाए तो व्हाइट है या ब्लैक है, मनी व्हाइट ब्लैक नहीं होती है। अंजना जी बोला था खान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ तुमने करी है नोटबंदी, नोटबंदी जनता करेगी। खान साहब सवाल पूछे, मेरा सवाल ये है आप लोग खान साहब की आवाज दबाते रहे, ठीक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें पूरे देश की जनता को राहत कब देंगे, उनके आंसू कब बंद होंगे, उनको मरना कब? आप डेडलाइन दीजिए। उनका कहना है कि कब खत्म होगा ये? खान साहब ने जो कहा है खत्म होना शुरू हो गया है, आज लाइनें दिन प्रतिदिन अब कम होती जा रही है। 5,00,000 करोड़ रुपया कम नहीं हो रही हमारी, कोई लाइनें कम नहीं हो रही प्रदेश को विशेष करके। और आज मैं व्यापारी बंधुओं से भी कहना चाहूंगा, डिजिटल योजना जो है डिजिटल पर, वह योजना ऐसी योजना है जिसमें अगर 50 लाख का हमारा व्यापारी करता है तो उसको आज मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि जो नोटबंदी मेरे दो सवाल हैं पहला सवाल ये कि जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था वो ये कहकर लिया गया था कि काला धन जो वापस नहीं आ जाएगा, 4-4.5 लाख करोड़ है वो गरीब जनता के काम आएगा, तो करीब 13 लाख से ज्यादा आ चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे सरकार फेल होगी नोटबंदी का। हाँ दूसरा सवाल ये कि जैसे जिनके पास 50 करोड़ थे अगर उनके यहाँ रेडियो 25 करोड़ बचा वो फिर भी करोड़पति रह गया, लेकिन आम आदमी जो 200 रुपये रोज कमाता था उसकी आपने जो है जो रोजगारी छीन ली उसको गरीब कर दिया आपने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे ज्यादा तो उन लोगों पे आफत गिरी जिन जो दिहाड़ी मजदूर थे। बिल्कुल आप उनकी क्या परेशानी है और उसके लिए कोई आपके पास यूपी चौपट हो गया इलाज के लिए साथी से जो दिहाड़ी मजदूरों की बात कर रही है, आज उनको जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा है ना, 50 दिन पूरा होने दीजिए। जो दिहाड़ी मजदूर हमारा आज उसके नाम पर लोग फर्जी कार्ड बनवा करके पेमेंट ले लेते थे और पेमेंट लेते थे उसके नाम पर 400 रुपया। झूठ आप क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो प्रधानमंत्री जी का इस फैसले का विरोध नहीं किया, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं
जो कहीं ना कहीं सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित तरीके से आए हुए हैं। पूरे देश की जनता अब तक कहीं आंदोलन नहीं कर रही है, केवल उन्हीं का फायदा हो रही है। योजना के लिए सबसे अधिक काला धन रखे हुए थे और उस काले धन पर भाई जी ने जो ताला मार दिया उसी के कारण आपको सबसे अधिक हत्या हो रही है। आज सबसे अधिक बौखलाहट क्यों कांग्रेस के लोगों में? आज उनके नौजवान साथी जो हमारे आदित्य जैन जी के साथ आए हैं, सबसे अधिक कार्यक्रम का अंत करते हैं, क्योंकि जब एक पैसा देश ने ले लिया उसके बाद तमाम पार्टियां एक साथ एकजुट होकर देश को बेहतर परिस्थिति की तरफ ले जाने के लिए कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती है। देश की जितनी पार्टियां हैं वो सब एक दूसरे पर दोष ही मढ़ रही हैं। और उस लड़के ने बड़ा सही कहा, मुझे लगता है आप लोगों को भी सुनना चाहिए। उसने कहा कि जब एक फैसला देश में ले लिया गया था तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ आरोप मढ़ रही हैं, कोई बेहतर परिस्थिति पैदा बनारस की जनता नोट यात्रा में दागेगी। अपने सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।